हर हर महादेव। दोस्तों देखिए कितना पावन पर्व श्रावण मास का महीना चल रहा है और अब आने वाली 19 अगस्त को राखी पूर्णिमा यानी कि श्रावण मास जो एक महीना पिछले चला है ये अब समापन की ओर है और भगवान महादेव की बड़ी कृपा रही हम सभी पर और ये कृपा हम सभी पर महादेव बरसाते रहें। इसी कामना के साथ आज एक मैं बहुत अद्भुत शिवलिंग के दर्शन कराने जा रहा हूं आपको। मैं अद्भुत और दर्शन ये दोनों बात इसलिए कहूंगा कि ये वो अद्भुत शिवलिंग है जिसके दर्शन मात्र से ही बहुत लाभ होता है और बहुत दुर्लभ दर्शन भी हैं इसके। ये भगवान महादेव का वो स्वरूप है जिसको देख पाना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। जी हाँ मित्रों ये देखिए ये आपको मैं दिखाने जा रहा हूं ये स्फटिक का वो शिवलिंग जो बिल्कुल क्लियर एकदम साफ है आप देख सकते हैं कितना स्पष्ट कितना साफ कितना चमकदार कितना अद्भुत। और इसके लिए उड़ीसा में हमने ये बहुत बढ़िया बड़ी प्यारी कलाकृति करके आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन कारीगरी का एक नमूना आपके सामने है हमने इसकी ये जलाधारी बनवाई जो कि बिल्कुल प्योर चांदी में है 100% ओरिजिनल स्फटिक और प्योर चांदी की जलधरी। ये इस श्रावण मास में हमारे सभी उन चाहने वालों को मैं दर्शन करवा रहा हूं और इसके बारे में मैं बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि स्फटिक का शिवलिंग इतना बड़ा आप देख सकते हैं मिल पाना बहुत दुर्लभ होता है और स्फटिक के शिवलिंग बड़े से बड़े मिल सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं। जैसा कि आप ये देखेंगे ये वाला एकदम बर्फ जैसा जो दिख रहा है आपको ये भी स्फटिक है लेकिन ये साफ नहीं है पानी नहीं है इसके अंदर ये पूरा बंद है ओपेक है धुंधला है। इसी श्रृंखला में यदि आप इधर देखते हैं ये भी बहुत अच्छी स्फटिक के शिवलिंग है लगभग क्लियर है मतलब लेकिन फिर भी इनके अंदर जाला रेशा थोड़ा धुंधलापन जरूर है और ऐसा होना स्फटिक में स्वाभाविक भी है। लेकिन जब स्फटिक बिल्कुल साफ और बड़े साइज में हो जाता है तो जॉर्मोलॉजिकल लैंग्वेज में उसे डायमंड की संज्ञा यानी कि हीरे की संज्ञा दी जाती है तो ये एक डायमंड ही है ऐसा भी कहा जा सकता है। स्फटिक का इतना प्यारा इतना बड़ा और इतनी अच्छी शेप का ऐसा अद्भुत शिवलिंग मिल पाना बहुत मुश्किल होता है। और मैं बता दूं कि बहुत बढ़िया अच्छी प्लानिंग से इसकी डिजाइनिंग करके हमने ये स्फटिक के शिवलिंग के लिए प्योर चांदी की एक जलाधारी बनाई है और इस जलाधारी में आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन कारीगरी है। ये देखिए आप नाग से देखना शुरू करिए कितना प्यारा नाग इसका बनाया और सामने हर तरफ कारीगरी यहां देखिए ओम नमः शिवाय कितना प्यारा मंत्र लिखा हुआ है और ये इसके सभी तरफ लिखा है आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया बहुत प्यारी कारीगरी प्योर चांदी का स्फटिक का शिवलिंग और उसकी चांदी की जलधरी। मैंने आपको जैसा कहा था कि इसके दर्शन मात्र से भी बहुत लाभ होता है तो मैं आपको बता दूं कि एक अद्भुत पीस जिसे कि मास्टरपीस कह सकते हैं ये हमने एक बनाने का प्रयास किया है। अब ये निर्भर करता है ये महादेव कहां जाएंगे और किस पर अपनी कृपा बरसाएंगे। वैसे तो महादेव की कृपा सभी पर है ऐसा कहना तो ठीक नहीं है लेकिन भगवान का महादेव का यह स्वरूप किस जगह जाता है ये तो ये वो भोलेनाथ ही जानते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भविष्य में ऐसा सेम दूसरा शिवलिंग मिल पाना शायद संभव ना हो पाए प्रयास किया जा सकता है लेकिन मैं ये श्योर नहीं हूं कि सेम ऐसा मिल जाए। मित्रों देखिए शिवलिंग तो कई प्रकार के होते हैं पारे का शिवलिंग होता है नर्मदेश्वर नर्मदा जी के नर्मदा नदी का जो पत्थर है उसका शिवलिंग होता है पर इन सभी शिवलिंग में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ शिवलिंग है वो स्फटिक का ही बताया गया है। हमारे शास्त्रों में ऐसा विवरण मिलता है कि स्फटिक का शिवलिंग एक ऐसा शिवलिंग है जिसकी एनर्जी जिसकी पावर मल्टीपल होती है इसकी एनर्जी बढ़ती है जितना अभिषेक पूजा अर्चना आप इस पे करेंगे उतनी ज्यादा इस शिवलिंग की एनर्जी पावर बढ़ती चली जाएगी। और स्फटिक के शिवलिंग की एक और महत्ता बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्फटिक के शिवलिंग में देखिए नेचुरल ओरिजिनल होना ये तो इंपॉर्टेंस है ही यदि ये बिल्कुल साफ हो जाता है जैसा कि ये है मैंने आपको बताया दिखाया
लगभग 99% ये बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है, साफ है, इसलिए इसकी महत्ता ज्यादा हो जाती है क्योंकि स्फटिक का शिवलिंग आप देखेंगे जितने भी पौराणिक मंदिर हैं, जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में रघुनाथ मंदिर में आप देखें कितना क्लियर स्फटिक का शिवलिंग रखा है। इसी प्रकार से कई बड़े बड़े मठों में, मंदिरों में जहां स्फटिक के शिवलिंग की पूजा अर्चना और आराधना करी जाती है वहां कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती, सुख समृद्धि की कमी नहीं रहती, हर कार्य सिद्ध होता है, ऐसी मान्यता हमारे शास्त्रों में है। स्फटिक का शिवलिंग बहुत ज्यादा एनर्जी और पावर को देने वाला तो है ही, सभी प्रकार के सुखों और संपन्नता को देने वाला भी है स्फटिक का शिवलिंग। इसके लिए हमारे पौराणिक ग्रंथों में इसे भगवान अमरनाथ जी का भी स्वरूप बताया गया है। अमरनाथ जी का जो शिवलिंग जो बर्फ से निर्मित होता है नेचुरली, उसी प्रकार से यह भी इसी प्रकार का एक शिवलिंग है जो कुदरती नेचर में डेवलप होता है स्फटिक। और स्फटिक को सभी रत्नों का जनक भी बताया गया है, जितने भी रत्न हैं वो सभी स्फटिक में से निकलते हैं, स्फटिक में से ही जन्म लेते हैं। तो इसलिए स्फटिक के इस बड़े श्री शिवलिंग को डायमंड की संज्ञा दी जाती है क्योंकि ये साफ होता है, इसकी एनर्जी पावर बहुत ज्यादा होती है। तो स्फटिक का शिवलिंग हमारे अगर शास्त्रों को भी हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा अति उत्तम शुभ और ज्यादा एनर्जी को देने वाला बताया गया है। कोई भी साधना यदि हम स्फटिक के शिवलिंग पर करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, भगवान महादेव का रुद्राभिषेक रुद्री करते हैं तो वो एकदम सिद्ध हो जाती है, भगवान महादेव उसे स्वीकार करते हैं, ऐसी मान्यता हमारे शास्त्रों में मिलती है। स्फटिक का शिवलिंग मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ आप बड़ा रखें, आप छोटा स्फटिक का शिवलिंग भी यदि रखते हैं तो भी उसका उतना ही अच्छा और शुभ फल आपको मिलता है, लेकिन यह शिवलिंग रेयर है, दुर्लभ है, अद्भुत है। एक और पौराणिक मान्यता हमारे शास्त्रों में मिलती है। शिव पुराण के अनुसार एक बार देवता और असुरों में एक गंभीर विवाद हो गया। इस विवाद को सुलझाने के लिए भगवान महादेव ने ऐसा सोचा कि एक विशेष यज्ञ किया जाए और उस यज्ञ के लिए भगवान ने एक विशेष अनुष्ठान करने के लिए एक विशेष वस्तु की डिमांड करी। तो भगवान ने इस विशेष अनुष्ठान, इस यज्ञ को पूर्ण करने के लिए जो एक दिव्य वस्तु की डिमांड करी वो स्फटिक था, स्फटिक का शिवलिंग। तो उस समय ब्रह्मा और विष्णु जी ने मिलकर भगवान शिव को एक खास स्फटिक रत्न की व्यवस्था करी, अर्पित किया भगवान को, महादेव को, उस यज्ञ को संपूर्ण करने के लिए। और ये रत्न ना केवल अपने अद्भुत चमक और पवित्रता के लिए प्रसिद्ध था बल्कि इसकी विशेषता यह थी कि यह सभी प्रकार के दोषों को दूर करके एक दिव्य ऊर्जा को देने वाला था, स्फटिक शिवलिंग। तो यज्ञ के दौरान इस स्फटिक रत्न को एक विशेष पूजा अनुष्ठान जब इस पर किया गया तो भगवान शिव को जब अर्पित किया गया तो भगवान शिव ने अपनी शक्ति से इस यज्ञ को जब संपन्न किया तो स्फटिक में एक विशेष ऊर्जा भगवान शिव की ओर से स्फटिक में आ गई, ऐसी मान्यता शिव पुराण में लिखी है ये कथा। और वो जब यज्ञ संपन्न हुआ स्फटिक के शिवलिंग पे जो भगवान महादेव ने किया तो जो देवता और असुरों के बीच का एक विवाद था वो शॉर्ट आउट हो गया, मतलब खत्म हो गया। तो ऐसी मान्यता शिव पुराण में मिलती है कि स्फटिक शिवलिंग कितना अद्भुत और दिव्य है, इसके अंदर कितनी बड़ी एनर्जी और पावर है और भगवान महादेव की विशेष कृपा इस स्फटिक के शिवलिंग पूजा करने वाले व्यक्ति को मिल जाती है। और भगवान शिव को सबसे प्रिय यदि कोई शिवलिंग है तो वो स्फटिक का शिवलिंग ही है, ऐसी मान्यता शिव पुराण में मिलती है। तो मित्रों सार ये है कि यदि आपके जीवन में भी कोई विवाद है, कोई परेशानी है, कोई कष्ट है, कोई भी ऐसा कार्य जो आपका सफल नहीं हो पा रहा है, संभव नहीं हो पा रहा है, कोई भी ऐसा विवाद कह लो, कष्ट कह लो, परेशानी कह लो जो दूर नहीं हो पा रही है, तो ये स्फटिक का शिवलिंग आपको एक सही मार्ग तो देगा ही, एक आपको ऐसी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी ऊर्जा जरूर देगा। भगवान महादेव की कृपा से आपका कोई भी कष्ट, कोई भी परेशानी, कोई भी विवाद वो निश्चित तौर पर सुलझ जाएगा, ऐसी मान्यता भी शास्त्रों में लिखी है। और मित्रों मैं एक बात कहूंगा,
कि ये तो स्फटिक का बड़ा शिवलिंग है, दुर्लभ भी है और अद्भुत के साथ साथ बहुत कीमती तो है ही। यदि कोई हमारे ऐसे भी लोग हैं, मित्र जानकार, जो बड़ा स्फटिक का शिवलिंग रखने में सक्षम नहीं है, तो मित्रों ये भी सब स्फटिक के शिवलिंग 100% नेचुरल ओरिजिनल स्फटिक के हैं और क्लियर हैं, साफ हैं, एक डेढ़ दो इंची ढाई इंची जो साइज चाहिए मिल जाएंगे। तो ये भी आप पूजा में रख सकते हैं। इसका भी रखने से आपको पूरा अच्छा व शुभ वही लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये स्फटिक का जो बड़ा शिवलिंग है, ये एक बहुत दुर्लभ, बहुत अद्भुत, एक विशेष चीज है। तो मित्रों ये जो अद्भुत स्फटिक का शिवलिंग जिसके आज मैंने आपको दर्शन कराए, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको ओम प्रकाश एंड संस पर ही मिलेगा। और इस स्फटिक के शिवलिंग और इस चांदी की जलधरी की मैं थोड़ा डिटेल आपको बता दूं कि जो इस स्फटिक का ये शिवलिंग है, इसका वजन है 2 किलो 680 ग्राम। बिल्कुल साफ स्फटिक का शिवलिंग 2 किलो 680 ग्राम इस स्फटिक के शिवलिंग का वजन है, जिसकी कीमत बनती है 5,36,000 रुपए। और 2.5 किलो प्योर चांदी की ये पूरी जालधरी बनाई गई है, 2.5 किलो प्योर चांदी की जालधरी जिसकी कीमत 3,64,000 रुपए। तो इन दोनों का जो एक विशेष प्राइस है, मूल्य है, वो हो जाता है 9,00,000 रुपए। देखिए एक बहुत अच्छा दुर्लभ अद्भुत अद्वितीय अकल्पनीय अद्भुत शिवलिंग स्फटिक का प्योर चांदी के साथ, जिसकी एक कीमत ओम प्रकाश एंड संस पे विशेष आपके लिए 9,00,000 रुपए रखी गई है। और यदि किसी को कम रेंज में छोटे स्फटिक के शिवलिंग चाहिए, तो ये भी 100% नेचुरल स्फटिक के शिवलिंग है, इनकी भी चांदी की जलधरी मिल सकती है। इनकी कोई बहुत ज्यादा कीमत नहीं होती, मैं बता दूं 50 रुपए पर ग्राम ये स्फटिक के शिवलिंग है। यदि 50 ग्राम का शिवलिंग है तो जिसकी कीमत मात्र 2,500 रुपए हो जाती है। तो इसी प्रकार से जो भी स्फटिक के शिवलिंग आप डिमांड करेंगे, ये सामने दिए गए नंबर पे आप यदि कॉल करते हैं या व्हाट्सएप मैसेज छोड़ते हैं, तो आपको इसकी पूरी जानकारी प्राइस आपको जरूर मिल जाएगा। तो मित्रों प्लीज कमेंट में हर हर महादेव लिखकर आप हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे कि जो स्फटिक के शिवलिंग, अद्भुत शिवलिंग के आज आपको मैंने दर्शन कराए, ये आपको कैसे लगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।